गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज तारीख है 31 अक्टूबर 2023 और टाइम हो गया है 7:30। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो रेजिस्टेंस आता है, या कोई भी काम कुछ दिनों बाद करते हैं तो रेजिस्टेंस आता है? पिछले 4-5 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा था और कल जब मैं वापस आया गुड़गांव तो शाम को एक पार्टी थी, तो फिर जो मेरा आज का जो डेली रूटीन है पूरी तरीके से हो नहीं पाया। और अभी रनिंग करने के लिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। बट न्यूटन ने कहा है, इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन रेस्ट, और इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अंटिल एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। कहने का तात्पर्य यह है कि रूटीन सही करने के लिए आज दौड़ना बहुत जरूरी है। 7 बजे मुझे दीपक बाबू से मिलना है रनिंग के लिए, तो आज की जो रन है वो काफ़ी मॉडरेट होने वाली है। आई विल बी रनिंग ओनली 3 to 4 kilometers जस्ट टू गेट बैक इन शेप, क्योंकि जो अगला महीना है उसमें और भी दौड़ना है। तो आज हमने 3 किलोमीटर की रन पूरी की है। दीपक बाबू, आप कुछ बोलना चाहेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर? आई थिंक अगर एक दिन मिस हो जाता है तो इट्स वेरी टिपिकल कि दूसरा दिन भी और तीसरा दिन भी मिस हो जाए। तो देन हाउ यू गेट बैक? जस्ट एक दिन का एक्सक्यूज, डोंट मेक इट, डोंट लेट इट गेट टू यू फॉर अ वीक, कम बैक अगेन स्टार्ट द नेक्स्ट डे। हाँ, सेम चीज़ होती थी मेरे साथ आई थिंक 2014-15 में, जब मैंने 2 बारी एनुअल मेंबरशिप ली जिम की और मैं 10 दिन गया, फिर उसके बाद 2-3 दिन घूमने चला गया, फिर मैं कभी नहीं गया। अगर एक बार तुम्हारा स्ट्रीक ब्रेक हो जाता है ना, तो वी टेंड टू ब्लेम आवर सेल्स कि आप तो फेल हो चुके हैं। लेट्स नॉट इवन गिव इट अ ट्राई। यस, एंड सेकंड डे भी मिस हो जाता है, देन इट बिकम्स द नॉर्मल। हाँ, और तब तुम्हारी बॉडी एकदम रेजिस्टेंस में आ जाती है और उसको लिए जो मोटिवेशन चाहिए वहाँ से वापस आने के लिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अगर तो शुरू के 1-2 दिन बाउंस बैक कर लिया तो कर लिया, नहीं है तो फिर नहीं होता, फिर नहीं होगा। तो ऑलवेज जस्ट अपने को थोड़ा रूम देने का, अगर एक बार फेल हो जाते हो, 1 दिन का स्ट्रीक मिस हो जाता है, 2 दिन का मिस हो जाता है, फॉरगिव योरसेल्फ, कम बैक अगेन। 3 अक्टूबर 2023 से मैंने वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया था और आज है 31 अक्टूबर 2023 और ये 2700 वीडियो है इस 75 डेज लॉक चैलेंज का। नवंबर कल से चालू हो जाएगा और नवंबर के जो गोल्स हैं वो बहुत ही क्लियर हैं, 10% इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी रनिंग पे। इस 75 डेज व्लॉग चैलेंज की जर्नी में अभी तक मुझे जो समझ में आया है ये आया है कि किस तरीके से वीडियोस नहीं बनेंगे और वीडियोस बनाने के लिए क्या एफर्ट लेने पड़ेंगे। एंड आई फर्मली बिलीव कि जो मेरा अक्टूबर का एक्सपीरियंस है वीडियोस बनाने में वो मैं डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा नवंबर के लिए। एंड आई होप आई विल कम अप विद सम बेटर वीडियोस, क्योंकि अब वीडियोस को अपग्रेड करने का सही में टाइम आ गया है। आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आई वुड रियली लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू एंड आई विल सी यू टुमारो।